राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। हमारे जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं और उन सब बातों को साथ लेकर के हम चलें तो आज हम जानेंगे कि कर्क राशि 2022 जून के महीने में कैसी रहने वाली है, कर्क राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें, इन सब बातों पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं या आप फोन के द्वारा भी हमसे बातें कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जो बात बताने वाला हूं कि आपको परदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा, अच्छा कार्य आपका रहेगा, मेहनत आपको करनी है, विशेष कार्य जो आपके अब तक नहीं बने वो बनने वाले हैं जून के महीने में। कर्क राशि वाले जातक स्वामित्व चंद्रमा का करें, चंद्र को स्तुति करें, चंद्रमा की स्तुति करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, या जिन जातकों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे ये समय आपका बहुत ही फलदायी है, अच्छे योग्य समाचार मिलेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ ग्रह कलेश बढ़ सकता है, घर में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, उसके निजात के लिए एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। आप जब आपको मौका मिले उस समय एक गरीब को अपने घर बुला करके उसे भोजन कराएं तो उससे भी आपका जो कार्य है वो सफल होगा, जो अवरोध है वो दूर होंगे, आपका जीवन सफल होगा। कई ऐसी समस्याएं आपके जीवन में भी आ सकती हैं जो आप अनर्गल नहीं चाहते उनको कि ये समस्या आए, तो विशेष रूप से जो कर्क राशि वाले जातक हैं इन चीजों पर ध्यान ना दे करके अपने कार्य के लिए आगे बढ़े। मांगलिक कार्य आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आने वाले हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, धार्मिक रुचि आपकी कम होगी, क्योंकि धार्मिक रुचि में इस समय आपको थोड़ी अवरोध पैदा हो सकता है, पैसे की इनकम के स्रोत आपके खुल सकते हैं और परदेश से सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आप मुझे दें इजाजत, राधे राधे।